के सिद्धांतों में हमने पढ़ा द्वितत्व का सिद्धांत, और द्वितत्व का सिद्धांत को हम बोल सकते हैं द्विकारक का सिद्धांत, या इसी को बोल सकते हैं द्विखंड का सिद्धांत। देने वाले थे चार्ल्स स्पीयरमैन साहब, और इन्होंने सिद्धांत जो दिया था 1904 में दिया था। इसमें कहा इन्होंने कि देखो जो बुद्धि होती है उसमें दो तत्व होते हैं, एक तत्व का नाम दिया सामान्य कारक और दूसरे तत्व का नाम दिया विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को इन्होंने जनरल फैक्टर के नाम से जाना, यानी कि इसको हम जी फैक्टर भी कहते हैं, जी फैक्टर भी कहते हैं, और इसी को दूसरा जो है विशिष्ट कारक जो है उसको स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, और इसको इसने एस फैक्टर के नाम से बताया कि भाई देखो बुद्धि में जो होते हैं वो दो तत्व होते हैं, सामान्य कारक या तत्व, विशिष्ट कारक या विशिष्ट तत्व। इसी क्रम में आगे कहा इन्होंने कि देखिए सामान्य कारक की जो विशेषता है वो क्या क्या है। सामान्य कारक जो होता है वो जन्मजात होता है, ऐसा होता है जन्मजात, और सामान्य कारक पर प्रशिक्षण का, अनुभव का, प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह जो है बुद्धि में 95% भागीदारी निभाता है, अर्थात इनके अनुसार मैं बात करूं तो बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है। दूसरा फैक्टर जो है, दूसरा फैक्टर कौन सा है, वो है एस फैक्टर या एस कारक। इसकी क्या विशेषता है कि ये अर्जित होता है, हम इसको वातावरण से अर्जित करते हैं, और इस पर प्रभाव पड़ता जो है वो किस किस का पड़ सकता है, तो इस पर प्रशिक्षण का प्रभाव, अनुभव का प्रभाव और अभ्यास का प्रभाव पड़ता है ना। यह जो है कितनी भागीदारी निभाता है, तो 5% बुद्धि में अपनी भागीदारी निभाता है। अगले चरण में बात करते हैं इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने अपने ही सिद्धांत को 1904 में देने के बाद में 1911 में संशोधित किया है। अर्थात इन्होंने कहा कि बुद्धि में दो की जगह तीन कारक होते हैं, और तीसरा कारक इन्होंने जोड़ा वह है समूह तत्व का सिद्धांत। तो इसी को आगे इन्होंने 1911 में कहा कि देखिए एक तो कारक होता है सामान्य, दूसरा होता है विशिष्ट कारक, और तीसरा जो होता है वो होता है सामूहिक कारक। अर्थात सामान्य और विशिष्ट कारक का जो जुड़ते हैं, मिलते हैं, वहीं पर एक फैक्टर और जन्मता है, कौन सा, जी प्लस एस फैक्टर, यानी कि जनरल और सामान्य दोनों मिल जाते, सॉरी विशिष्ट और सामान्य दोनों मिल जाते हैं, उसी को नाम दे दिया इन्होंने ग्रुप फैक्टर, या इसी को नाम दे दिया जी प्लस।